नमस्कार, मैं हूं तान्या तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज व्यू। शिवान सहित देश की तमाम बड़ी खबरों में रूबरू होने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। चलिए अब हम आपको आज की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। सिवान शहर के मौलेश्वरी चौक के पास दहशत फैलाने के लिए 5 अपराधियों ने पिस्टल लहराए, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से अपराधियों को दौड़ा दिया, जिसमें से 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें एक अपराधी नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला टोली और दूसरा नगर थाना क्षेत्र के बनिया टोली का निवासी है। वही पिस्टल के साथ 3 अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ कर रही है। बाकी 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या नाम है? क्या नाम है? उनका क्या, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? क्या नाम है वो? क्या नाम है? कहाँ घर है? कहाँ? इधर आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए दोनों कोशिश किया है। कौन मारने के लिए कोशिश किया है? वही 3 को था सर का। कहाँ का था? नहीं पहचान गया किसी को सर। क्या किया था? फायरिंग किया सर? पिस्टल फेंका था, भिड़ा दिया था। हम पकड़ के बाजिया बाजी किए हैं सर, हम छीन लिए थे सर, झूठ नहीं बोला, हम छीन लिए थे। लेकिन गिर गया एक बाजू में, यहाँ तो पब्लिक ईटा चलाने लगा है, तो उसके बाद सर छूट गया सर। यहाँ पे 3-4 लड़के जो हम लोग के उम्र से थोड़े कम होंगे, वो सब लोग आए और हवा में पिस्टल लिए हुए थे, और हमको खबर जब आई तो मैं भी दुकान बन गया, यहाँ पहुँचा और वो हवा में फहरा दे, तब तक 2 लड़के यहाँ पकड़ाए और जिनके पास पिस्टल था उनको लड़के को लोग मार भाग के भगा दिए। उसमें एक लड़के ने बोला कि वो यहाँ कोई रंगदारी कर, लेकिन रंगदारी का कोई मामला नहीं है, और यहाँ पे कनल यहाँ कानून सुशासनों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था है कि उसका लोग आज हमारे ग्रामीण पकड़े हैं उसको। तो यहाँ आप लोग चले मारे, मैं कहना चाहूँगा उस गाँव में जो भी हो उसको उन लोगों को पकड़ा जाए। क्या किसी की हत्या करने लड़के आए? अब ये कहने का मतलब हवा पिस्टल है, मतलब वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं कि वो क्रिमिनल हैं, वो तो आप न्यूज के जरिए आप लोग बता पाएंगे। ये कहने का मतलब है कि अगर वो हवा पिस्टल है मतलब वो आतंकवादी होंगे या उग्रवादी होंगे या क्रिमिनल होंगे। पिस्टल निकाल के फायर भी, पिस्टल फायर नहीं कर पाए, चूँकि यहाँ जो हम लोग मोहल्ला एकता में बहुत है, क्योंकि हिंदू मतलब यहाँ हम लोग में एकता बहुत, हम लोग कम एकता रखते हैं। आज हम लोग कुछ होता है या कुछ मतलब होता है तो हम लोग एकता आपस में रखते हैं। आम पब्लिक उसको पकड़ ली, आम पब्लिक पकड़ के उसको यहाँ बांध के रस्सी पर रखा था। टाउन थाना फोन कर गया और मैंने खुद एसडीओ साहब फोन किया, तो टाउन थाना से ललन सर आए, तभी पकड़ के उन लोग को ले गए। कितने लड़के थे, कितने पकड़ाए, कितने भाग? लड़के वो लोग 5 थे और जिनके पास पिस्टल है हमला थे वो 3 लड़के भाग गए, 2 लड़के अभी ललन सर लेके गए। कहाँ के लड़के, कुछ पहचान हो? ये सर पहचान तो प्रशासन ही बता पाएगा, हम लोग क्या बता पाएंगे। नाम बता दें। मेरा नाम संदीप तुलसी, समाज सेवक।